Good morning, my dear student. Today in the e-class, we are going to continue our previous chapter, chapter 2, more on windows. इस chapter में हमने कुछ features के बारे में देखा था और creating a new desktop के बारे में. Today we will see utilities of Windows 10 working with the control panel. So let's start. Utilities of Windows 10. What is utilities? Windows 10 provides many utilities program for day-to-day applications and entertainment. For example, Windows Media Player, Disk Cleanup, Steps Recorder, Character Map, Notepad, Shape Collector, Math Input Panel. तो यूटिलिटी सॉफ्टवेयर वो होते हैं जो हमारे कंप्यूटर सिस्टम को मैनेज करते हैं, है ना, मैनेज करते हैं, उसका मेंटेनेंस देखते हैं, अदर फाइल्स को रन कराने में हेल्प करते हैं. तो हम यहाँ पे देखेंगे सबसे पहले विंडोज़ मीडिया प्लेयर के बारे में. विंडोज़ मीडिया प्लेयर रन्स एंड ऑर्गेनाइजेस द डिजिटल मीडिया फाइल्स. ये क्या करता है, आपके डिजिटल मीडिया फाइल्स को, ऑडियो वीडियोस को मैनेज करने में आपकी हेल्प करता है और ऑर्गेनाइज वे में रखने की और उसको प्ले करने में भी हेल्प करता है. अवेलेबल इन द कंप्यूटर मेमोरी, जो आपके कंप्यूटर मेमोरी में वीडियोस और ऑडियोस होती हैं. यू कैन लिसन टू द रेडियो स्टेशन फ्रॉम ऑल ओवर द वर्ल्ड इफ़ द इंटरनेट कनेक्शन इज अवेलेबल. और इस मीडिया प्लेयर के थ्रू आप ऑल ओवर द वर्ल्ड के जो भी आपके रेडियो स्टेशन होते हैं, रेडियो चैनल्स होते हैं, आप उसे सुन सकते हैं. दिस सॉफ्टवेयर अलाउज यू टू प्ले, कॉपी एंड क्रिएट DVD, CD एंड कॉपी म्यूजिक एंड वीडियो टू पोर्टेबल डिवाइसेस. और ये जो सॉफ्टवेयर होता है, ये आपको हेल्प करता है CD, DVD क्रिएट करने में और कोई भी अदर पोर्टेबल डिवाइस है, स्टोरेज डिवाइस, तो उसे में भी आपके सॉन्ग्स को, वीडियोस को, इमेजेस को कॉपी करने में भी हेल्प करता है. तो देखिए, जब आप CD, DVD खरीदते हो तो वो ब्लैंक होती है, लेकिन हम उसमें डेटा को कॉपी करते हैं. तो उसमें डेटा कॉपी करने के कई फंक्शंस होते हैं, कई स्टेप्स होते हैं. तो आज हम जानेंगे कि RIP, RIP मतलब कॉपी CD टू योर कंप्यूटर. तो अगर आपको CD कॉपी करनी है अपने कंप्यूटर में, तो वो उसका क्या प्रोसेस है. तो RIP एक होता है, एक होता है आपका बर्निंग. तो पहले हम देखेंगे RIP मतलब कॉपी. तो यू कैन कॉपी सॉन्ग्स फ्रॉम योर फेवरेट म्यूजिक CD, DVD ऑन टू योर कंप्यूटर्स विद विंडोज मीडिया प्लेयर. तो अगर आपके विंडोज 10 में विंडोज मीडिया प्लेयर एक बहुत अच्छा फीचर दिया हुआ है, यूटिलिटी सॉफ्टवेयर है, इसकी हेल्प से आप क्या कर सकते हो कि सपोज आप किसी CD या DVD में कोई सॉन्ग बहुत अच्छा है, मूवी बहुत अच्छी है, और आप उसे अपने कंप्यूटर में कॉपी करना चाहते हो, तो कॉपिंग मतलब रिप करना कंप्यूटर में सॉन्ग या वीडियोस को, वो क्या कहलाता है, रिप कहलाता है. तो हम देखेंगे कि कैसे हम रिप करते हैं. व्हेन यू रिप म्यूजिक, यू आर एक्चुअली कॉपिंग सॉन्ग्स फ्रॉम अ CD टू कंप्यूटर. तो रिप का क्या मतलब होता है, RIP, इसका मतलब हुआ कि आप CD में से कोई प्रोग्राम, कोई वीडियो, ऑडियो अपने कंप्यूटर में कॉपी कर रहे हैं. आफ्टर द सॉन्ग्स हैव बीन कॉपीड टू ऑन टू योर कंप्यूटर, यू कैन यूज विंडोज मीडिया प्लेयर टू प्ले एंड ऑर्गेनाइज द सॉन्ग, क्रिएट प्ले लिस्ट एंड कॉपी म्यूजिक टू अ पोर्टेबल डिवाइस. तो जब आपकी CD से वो सॉन्ग, वो डेटा कॉपी हो जाता है आपके विंडोज मीडिया प्लेयर में एक ऑर्गेनाइज वे में, तो आप उसे क्रिएट प्ले लिस्ट बना सकते हो न्यू सॉन्ग की, पुराने सॉन्ग्स की अलग अलग करके, और उसे आप किसी अदर पोर्टेबल डिवाइस लाइक पेन ड्राइव में कॉपी करना है आपको, या किसी दूसरी CD में कॉपी करना है, तो ईजिली आप यहाँ से उसे कॉपी कर सकते हो. तो कैसे रिप करते हैं, तो फॉर रिपिंग विल फॉलो दीज स्टेप्स. क्लिक ऑन स्टार्ट बटन एंड चूज विंडो मीडिया प्लेयर फ्रॉम द लिस्ट. सबसे पहले आप स्टार्ट बटन पे क्लिक करोगे और वहां से आपको विंडोज मीडिया प्लेयर ओपन कर लेना है विंडोज 10 में. इनसेट एंड ऑडियो CD, आपको ऑडियो CD या DVD को ड्राइव में इंसेट करना है. आप देखते हो CPU में एक ऊपर साइड बटन होती है एकदम फ्रंट में सामने, जब आप वो छोटी सी बटन दबाते हो तो एक ट्रे बाहर आती है, आप उस पर CD रख देते हो और फिर बटन को दबाते हो, CD आपकी अंदर चली जाती है. और जब आपकी CD वर्क करना स्टार्ट करती है तो आपको रोलिंग की एक आवाज़ आती है कि हाँ आपका CD चल रहा है, ठीक है. तो यू विल सी अ लिस्ट ऑफ सॉन्ग स्टोर्ड ऑन द CD, DVD इन द विंडो मीडिया प्लेयर. तो जब आप इंसेट करते हो CD को, तो आप विंडोज मीडिया प्लेयर ओपन करके देखोगे तो आपको उसमें CD, DVD में जो भी सॉन्ग्स है वो आपको विंडोज मीडिया प्लेयर में दिखाई देते हैं. अनचेक द चेक बॉक्स नेक्स्ट टू एनी सॉन्ग्स दैट यू डू नॉट वॉन्ट टू रिप. अब आपको क्या करना है, तो बॉक्स, सारे सॉन्ग्स के आगे एक बॉक्स बना होता है, उन
को आपको अगर उनमें से लाइक 12 सॉन्ग है उसमें से आपको सिर्फ 5 ही पसंद है, तो आपको क्या करना है, सब सारे सेलेक्ट होते हैं तो आपको उसमें अनचेक करना होता है। जब आपको जो जो चाहिए उस पर आप चेक कर दीजिए। व्हेन यू आर डन विद द सिलेक्शन प्रोसेस, जब आप पूरा सिलेक्शन प्रोसेस कर लोगे तो आपको एक रिप सीडी बटन दिखाई देगा। यहाँ पे आप देख सकते हो रिप सेटिंग है और रिप सीडी बटन है जो कि हाईलाइटेड है। दिस रिपिंग प्रोसेस विल स्टार्ट एंड यू कैन सी द रिप स्टेटस ऑफ इंडिविजुअल सॉन्ग्स। टू स्टॉप द रिपिंग प्रोसेस एनी पॉइंट क्लिक ऑन द स्टॉप रिप बटन। तो जब आप रिप पे जैसे ही क्लिक करोगे आपका सॉन्ग जो है वो रिप होना, कॉपी होना स्टार्ट हो जाता है आपके कंप्यूटर में। तो आप जब कॉपी हो रहा है सॉन्ग तो आपको पता भी चलेगा कौन कौन से सॉन्ग कॉपी हो रहे हैं, कितना पहुंच चुका है, कितना भी बचा हुआ है। तो अगर आप चाहते हो स्टॉप करना तो आपको एकदम सामने आप देख सकते हो स्टॉप रिप ऑप्शन दिया हुआ है फिगर नंबर 2.11 में, तो आप उसको स्टॉप भी कर सकते हो। क्लिक ऑन द रिप सेटिंग बटन इफ़ यू वॉन्ट टू चेंज द फॉर्मेट ऑडियो क्वालिटी ऑफ रिप्ड म्यूजिक फाइल्स और यू कैन कीप द डिफॉल्ट विंडो मीडिया फॉर्मेट सेटिंग। तो आप फिर उसके बगल में आप देख सकते हो एक रिप सेटिंग ऑप्शन दिया हुआ है जहाँ पे आप जा करके वीडियो ऑडियो क्वालिटी चेंज कर सकते हो और उसके विजुअलिटी चेंज कर सकते हो, ठीक है, या तो फिर जो ऑटो फॉर्मेटिंग होती है आप वही रहने दो वहाँ पे। तो द सॉन्ग्स आर रिप टू द म्यूजिक फोल्डर कंटेन इन दिस पीसी फोल्डर। तो ये आपका सॉन्ग जो है वो आपके म्यूजिक फोल्डर में, दिस पीसी फोल्डर के बारे में मैंने आपको बताया था कि आपके विंडोज 10 में एक दिस पीसी नाम का फोल्डर होता है जो आपके पूरे स्टोरेज डिवाइसेस ड्राइव्स को शो करता है। तो वहाँ पे आप जब म्यूजिक फोल्डर ऑप्शन पे क्लिक करोगे तो वहाँ पे जितने भी सॉन्ग्स आपने रिप किए हैं, कॉपी किए हैं, वो आपको वहाँ पे विजिबल दिखाई देंगे। आफ्टर द सॉन्ग्स हैव बीन रिप्ड गो टू द म्यूजिक फोल्डर टू प्ले देम। जैसे ही आपका सॉन्ग कॉपी हो जाता है आप विंडोज मीडिया प्लेयर ओपन करिए और वहाँ से आप सॉन्ग्स को प्ले कर सकते हैं। यू कैन ऑल्सो बर्न अ सीडी डीवीडी यूजिंग सॉफ्टवेयर लाइक, और आप पता है क्या कर सकते हो, आप सीडी डीवीडी को बर्न भी कर सकते हो और मैं आपको बर्न के बारे में बताऊंगी भी। सो ये आपको समझ में आ गया होगा कि रिपिंग क्या होती है। रिप मतलब कॉपी, सीडी या डीवीडी से जब हम कोई डेटा अपने कंप्यूटर में कॉपी करते हैं तो वो रिपिंग कहलाता है, रिप कहलाता है। अब हम कॉपिंग डेटा टू सीडी डीवीडी, जब आप किसी डेटा को सीडी या डीवीडी में कॉपी करते हो तो वो कहलाता है बर्निंग, ठीक है। तो रिपिंग एंड बर्निंग में आपसे क्वेश्चन भी पूछ सकता है कि व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन रिपिंग एंड बर्निंग, तो हम जानेंगे। तो रिपिंग आपको समझ में आ गया होगा कि जब हम कोई डेटा सीडी से कंप्यूटर में कॉपी करते हैं तो वो रिपिंग कहलाता है, और बर्निंग आपका कहलाता है जब हम किसी डेटा को कंप्यूटर से कॉपी करके सीडी में डालते हैं। तो हम देखेंगे कैसे हम बर्निंग कर सकते हैं। सेविंग इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन ऑन अ सीडी डीवीडी इज एज ईजी एज सेविंग ऑन हार्ड डिस्क। तो बिल्कुल बहुत ही ईजी स्टेप होता है, बहुत इंपॉर्टेंट डेटा होते हैं तो हमें ये बहुत अच्छे से पता है कि कंप्यूटर कभी भी डैमेज हो जाता है या वायरस से इन्फेक्टेड हो जाता है तो हमारी बहुत इंपॉर्टेंट फाइल्स जो हैं वो डिलीट हो जाती हैं। तो इन सब चीज़ों से सेफ रहने के लिए हम एक बैकअप लेके चलते हैं। बैकअप का मतलब हो गया हम अपनी फाइल्स का, इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स का एक कॉपी बना करके अपने पास सीडी में रखते हैं ताकि अगर कभी भी हमारा कंप्यूटर वर्क नहीं कर रहा है, लैपटॉप काम नहीं कर रहा है, तो हम उस सीडी से बैकअप ले सकें, डेटा को रिस्टोर कर सकें। यू कैन क्रिएट योर ओन सीडी डीवीडी बाय सेलेक्टिंग अ फोल्डर ऑफ सॉफ्टवेयर और मीडिया फाइल्स एंड ड्रैगिंग इट टू सीडी डीवीडी आइकन इन द दिस पीसी फोल्डर। तो नाउ सी इनसेट अ ब्लैंक सीडी डीवीडी इन द सीडी डीवीडी ड्राइव ऑफ योर कंप्यूटर। तो जैसे आप सीडी जहां लगाते हो आपको बिल्कुल वहीं पे लगाना है। द बर्न अ डिस्क डायलॉग बॉक्स अपीयर, मेंशन द सीडी डीवीडी नेम एंड डिस्क। तो आप जैसे ही लगाओगे ब्लैंक सीडी तो आपको यहां पे एक बॉक्स ओपन हो जाएगा, बर्न अ डिस्क डायलॉग बॉक्स फिगर में, तो आप देख सकते हो। तो इसमें आपको क्या करना है कि द बर्न डिस्क डायलॉग बॉक्स अपीयर, मेंशन द सीडी, आपको सीडी